खालिक़े अज़ल के लिए। तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए। तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए। तमाम हम उस खालिक अज़ल के लिए। इंतजामिया से तवज्जो है कि वो तशरीफ ले आए। तमाम हम उस खालिक अज़ल के लिए सकून झील को देता है जो कमर के लिए मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम। वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम। वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए कह रहा हूँ कि जान जिसमें भी है उसे रिज़्क खुदा देता है। उसे रिज्क खुदा देता है। हजरत साहब मेरा अगला जुमला सुनना। जान जिसमें भी है उसे रिज्क खुदा देता है। उसे रिज्क खुदा देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़े को गिजा देता है। वो अल्लाह है कर देता है। फिरौन का लश्कर पल भर में। वो अल्लाह है। मुझे इंतजामिया ने बोला था कि आपने उर्दू में बोलना है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक नकीब आया, उसकी समझ भी नहीं आई कि उसने क्या बोला है, मगर उर्दू छेड़ बैठा हूँ। मुश्किल कुशा वाले मुश्किल मेरे ये अल्फाज सुन के मेरे साथ सफर करेंगे। मैं आज खालिस्तन उर्दू सुनाने की नीयत से आया हूँ। मुझे इंतजामिया ने हुक्म जो दे दिया है, हजरत साहब तवज्जो फरमाना कि तमाम हम्द उस खालिक अज़ल के लिए सकून झील को देता है जो कमल के लिए मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम। वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी सबल के लिए। जान जिसमें भी है उसे रिज्क खुदा देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़े को गिजा देता है। वो अल्लाह है कर देता है। फिरौन का लश्कर पल भर में फिर काफ़लाए मूसा को वो अल्लाह है गर्क कर देता है। फिरौन का लश्कर पल भर में फिर काफ़लाए मूसा को पार लगा देता है। वो अज़ल से है अब तक रहेगा। इसी बात पर ईमान इंसान को इंसान बना देता है। इंतजामिया कहां गई? फियाज कादरी साहब आप तवज्जो फरमाएं। आज की इंतजामिया कहां चली गई है? आज की इंतजामिया स्टेज पे आए तो मैं अगले जुमले रवाना करूं। कह रहा हूं कि मेरे अल्लाह तो महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद। मेरे अल्लाह तो महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद। मेरे अल्लाह तो महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद। आला है इतना कि तेरा जिक्र अली है। तेरी हमद मोहम्मद आला है इतना कि तेरा जिक्र अली है। मेरे अल्लाह ये हुस्न है तेरा। मेरे अल्लाह ये हुस्न है तेरा। कारी साहब तवज्जो। मेरे अल्लाह ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है। मेरे अल्लाह ये हुस्न है तेरा। मेरे अल्लाह ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है। फातिर है तो फिर फातिमा।
माँ तो जहरा का खुदा है, तो फिर फातिमा तो जहरा का खुदा है, फिर मुझे कहने दीजिए कब कैसे किसको खबर मेरे अल्लाह कौन है तू क्या है कब कैसे किसको खबर मेरे अल्लाह कौन है कब कैसे किसको खबर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मेरे अल्लाह कब कैसे किसको खबर कौन है क्या है तू कलंदर लाहौर शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने कलम उठाया फरमाते हैं लिखते हैं कब कैसे किसको खबर मेरे अल्लाह कौन है तू क्या है तू इतराफ से वाला ही तेरी हमदो सना है मोहम्मद को ये है फख्र के महबूब है तेरा मेरे अल्लाह तेरा ये तारुफ के तू मोहम्मद का खुदा है मेरे अल्लाह तेरा ये तारुफ अमजद बॉबी साहब सुनिए मेरे अल्लाह ये तेरा ये तारुफ के तू मोहम्मद का खुदा है मेरे अल्लाह तेरा ये तारुफ के तू मोहम्मद का खुदा है एक देखने वाले का कहा मान लिया है एक देखने वाले का कहा मान लिया है अरे हमने तो बेदेखे खुदा मान लिया एक देखने वाले का कहा मान लिया है अरे हमने तो बेदेखे खुदा मान लिया है हकीकतन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि 8 बजे अब्दुल्ला कादरी साहब को टाइम दिया वो स्टेज पे नहीं पहुंचे मैं तिलावत कुरान कराने जा रहा हूं आपके फौरन बाद तिलावत के बाद इंशाअल्लाह अजीज भाई जिया हाजरी पेश फरमाएंगे आपके बाद फिर सलाखा ने मुस्तफा जैसे जैसे तशरीफ लाते जाएंगे हाजरी होती जाएगी आज के कारिये कुरान फखरुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा मेरी मुराद कारी मोहम्मद दानिश मंजूर साहब बरसरे मिंबर हैं जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो सर ढांप कर बाअदब होकर अल्लाह का कुरान सुने आपके आने से कबल कह ये रहा हूँ कि खुदा के मुकद्दस नाम से करता हूँ इब्तिदा खुदा के मुकद्दस मैं क्या करूं कि फयाज कादरी साहब को सीट भी अब मिल रही है खुदा के मुकद्दस बस सीट पे बैठ गए तो इंशाल्लाह मदीना शरीफ पहुंचा देंगे खुदा के मुकद्दस नाम से करता हूं इब्तिदा जो खालिक कायनात है और ज़ात किबरिया मोहम्मद दानिश मंजूर से करता हूं इल्तजा कर करे वो आगाज आज की इस बज़्मे पाक का अजीम कारी कुरान फखरुल कुर्रा नजमुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद दानिश मंजूर साहब आप हाजरी पेश फरमाएंगे तिलावत कलामुर रहमान से हम सब के दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएंगे और एक बात मुझे कहना जरूरी मैं समझ रहा हूँ कि ये पहली सालाना महफिल है और इंतजाम देखकर अल्लाह की इज्जत की कसम बहुत खुशी हुई इंतजामिया को देखकर इंतजाम देखकर बहुत खुशी हुई पहली सालाना महफिल है फयाज कादरी साहब पहली सालाना महफिल है इनको नहीं पता कि स्टेज के मामलात कैसे चलाने हैं आप इब्तदा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये भी साथ साथ चलते जाएंगे माशाल्लाह नारे तकबीर